नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, अभी हाल में ही यूपीएससी ने अभी अपने जो हमारा 21 जून का एग्ज़ाम होने वाला था उसको स्थगित कर दिया है और उसकी डेट बढ़ा दी गई है। तो बच्चों, आइए जो आज की जानकारी है, लेटेस्ट कल जो जानकारी आई है इस विभाग से जुड़ी हुई इस परीक्षा के लिए, तो आइए अभ्यर्थियों उस जानकारी को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि देखिए, अभी एक हाल में और नोटिस आई हुई है जिसमें कि जो अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा था तो जिनके फोटो सही रूप से नहीं लग पाए, जिनकी सिग्नेचर सही रूप से नहीं हो पाई है, तो उनको री अपडेटिंग के लिए आपको मांगा गया है। तो बच्चों, जिनका अभी आपका फोटो गलत है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन लिस्ट आई हुई है, आप अपना वहाँ पे नाम देख सकते हैं और उसको आप सही कर सकते हैं। अभी डेट आपकी 6 से 12 जून तक है, तो इस विषय पे अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए नोटिस आई हुई है, नोटिस रिगार्डिंग फोटो री अपलोडिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आप यहाँ पे इस नोटिस को देख सकते हैं। आइए, हम उस नोटिस को पढ़ के आपको बता दे रहे हैं कि क्या नोटिस है। तो देखिए बच्चों, अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा परीक्षा 2020 तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2020 का विज्ञापन दिनांक 21/4/2020 को जारी किया गया था। उक्त परिपेक्ष के अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित तिथि दिनांक 4/6/2020 तक प्राप्त किए जा चुके हैं। कतिपय अभ्यर्थियों के फोटो व हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, जिनकी सूचना आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.nic पर उपलब्ध है। तो उक्त है अभ्यर्थियों को दिनांक 5 से 12 तक सही फोटो व हस्ताक्षर पुनः अपलोड करने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उनसे अपेक्षा की जाती है कि नियत तिथि तक फोटो व हस्ताक्षर आयोग की उक्त वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। बच्चों, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना है। जो बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं वो अपनी ऑब्जेक्शन लिस्ट को चेक कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कि अगर उनका कहीं पे गलत है तो वो बच्चे जा करके वेबसाइट पर जा करके यूपीएससी की वहाँ पे आप यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन हैविंग अ फोटो रिलेटेड ऑब्जेक्शन पे आप इसको सही कर सकते हैं। बच्चों, तो ये प्रोसीजर आप यहाँ से कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्शन लिस्ट है वो आप यहाँ पे सी ऑब्जेक्शन लिस्ट पे जा करके आप इसको देख सकते हैं। बच्चों, तो आइए, अब हम लोग बात कर रहे थे कि क्या जो भी निर्णय आया है कि जो स्थगित पेपर कर दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी देख रहे थे। तो अभी कल ही नोटिस आई हुई है 5 जून 2020 को कि बच्चों देखिए, जो भी अभ्यर्थी हैं 5 जून 2020 को अभी नोटिस आई हुई है कि जो यूपीपीएससी पीसीएस एसीएफ आरओ आरएफएफ 2020 यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई, 21 जून को जो पेपर आपका होना था। बच्चों, तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा 2020 और सहायक वन रक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। कोविड-19 के मद्देनजर यूपी पीसीएस ने यह निर्णय लिया है कि आयोग के कैलेंडर में यह परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन पीसीएस के तकरीबन 200 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू हुई थी। आवेदन शुरू होने तक आयोग को आरएएफओ के पदों का अधियाचन नहीं मिला था, लेकिन आयोग ने एसीएफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण आवेदन में आ रही बाधाओं के मद्देनजर आयोग ने अंतिम तिथि 4 जून तक बढ़ा दी थी। आयोग को अंतिम तिथि तक कुल 5,95,696 आवेदन प्राप्त हुए। यह इस बार बहुत ज्यादा आवेदन बच्चों भरे किए गए हैं क्योंकि इसकी डेट काफी लंबी हो गई थी, तो जो अभ्यर्थी अभी तक नहीं भर पाए थे उन अभ्यर्थियों ने फॉर्म को भर दिया है। तो लगभग 5,95,696 आवेदन हुए हैं। तो आपका इतने अभ्यर्थियों से आपका मुकाबला इस बार रहेगा, कंपटीशन है तो बहुत एक बड़ी संख्या है। तो फिर पीसीएस 2020 और एसीएफ आर एएफओ 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए परीक्षा स्थगित होने की आशंका पहले जताई जा रही है। तो बच्चों देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना है। बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, अभ्यर्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सूचना है कि वो अब अपनी
जो स्थगित परीक्षा थी उसकी डेट अब देखिए क्या पढ़ाई जाती है इस विषय पे, अपना जो उसका आयोग का जो नोटिफिकेशन रहेगा वो जल्द ही आएगा। तो बच्चों देखिए पिछली बार के मुकाबले 51,000 अधिक आवेदन हुए हैं, तो पीसीएस 2019 के मुकाबले पीसीएस 2020 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 51,000 अधिक है। पीसीएस 2019 के लिए 5,44,664 अभ्यर्थी आवेदन किए गए थे, जबकि पीसीएस 2020 के लिए 95,696 5,95,696 आवेदन आए हैं बच्चों। ठीक है, ये बात हो गई, तो अब क्या हुआ आइए देखते हैं। अब हम लोग और जो जानकारी है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे आपको अपलोड, और आप इसके बारे में अधिक जानकारी आप सहकारी जज से भी ले सकते हैं, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। यूपीपीएससी प्री 2000 ऑब्जेक्शन लिस्ट आपकी आ चुकी है, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिस्ट रीअपलोड सिग्नेचर आप यहाँ भी जा करके आप सही कर सकते हैं। तो आपकी ये लिस्ट है बच्चों, आप यहाँ पे देख करके अपना सही कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।